Hello students, welcome to our YouTube channel Annie Besant International School. Annie Besant International School के YouTube channel पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने आया हूँ और मैथमेटिक्स में मैं कुछ ट्रिक्स बताने आया हूँ। ये एक जापानी ट्रिक है जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में जुगाड़ कहते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन का जुगाड़, किस तरह से हम लोग फास्ट से फास्ट मल्टीप्लीकेशन को जस्ट 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर ये ट्रिक जानना है, आपको ये ट्रिक समझना है, तो हमारे वीडियो को एंड तक देखें, एक भी पार्ट मिस ना करें और आप इस ट्रिक को जल्दी सीख जाएंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वापस मल्टीप्लाई करता हूँ 12 और 13 को। ओके, 12 और 13 को, 12 और 13 मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल है जापानी ट्रिक की तरह से। तो इसमें मैं क्या करना है, लाइन बस ड्रॉ करना है, कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा मैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसका आंसर क्या, ये करेक्ट आंसर है? आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 12 इंटू 13 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 6, 3 वन जा 3, 2 एंड 1, 6, 5, 1, दोनों आंसर मैच किए। इसमें हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया, बट ये क्वेश्चन हम लोगों ने सिंपली सॉल्व कर लिया, वेरी इजीली वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अगर आपको ये ट्रिक सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सके। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे एक क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। करते हैं, सो 22 इंटू 31, ठीक है, इसमें भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को, इस वाद से मल्टीप्लिकेशन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये होगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल 10 सेकंड में इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर से अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 22 इंटू 31, 2 2 3 2 6 एंड 3 2 6 2 8 6, ये देखिए दोनों आंसर आपस में मैच कर रहे हैं। एक में हमें 1 मिनट के लगभग का टाइम लगा और वही दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, उसके बाद मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ये होगा। ठीक है, इस ट्रिक को जानना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, एंड तक देखना होगा। वेरी सिंपल ट्रिक, बस आपको इस पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है। अगर आपको कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम है या फिर आप आइदर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो हमारे दिए गए फोन नंबर्स, ईमेल आईडी से कॉन्टैक्ट करें या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर प्रॉब्लम है, तो हम उस टॉपिक को सॉल्व करेंगे और उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल में लिखते हैं, 12 इंटू 12। ओके, इसके लिए भी हम लोग क्या करना होगा, लाइन्स ड्रॉ करने होंगे, लाइन्स ड्रॉ करूंगा मैं। ठीक है, लाइन्स ड्रॉ करने के बाद फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आप फिर से क्रॉस चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, 12 इंटू 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 4 4। एक क्वेश्चन और, 14 इंटू 14, फिर से हमें लाइन ड्रॉ करना होंगे। ठीक है, लाइन को ड्रॉ करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इज 6 9 1 1 9 7। आप इसे भी चेक कर सकते हैं, 14 इंटू 14 को 6 4 4 5 4 1 6 9 6, दोनों आंसर आपस में मैच कर रहे हैं। तो ये सिंपल ट्रिक अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस ट्रिक को मैंने सॉल्व किया, इस ट्रिक का यूज करके मैंने मल्टीप्लीकेशन किया। अगर आप भी सीख जाएंगे तो आप भी इजिली कोई भी मल्टीप्लीकेशन को बस सिंपल से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मुझे। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 14 इंटू 11, ठीक है,
ये मल्टीप्लिकेशन 14 × 11 जिसको आप मल्टीप्लाई करके कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन एक सिंपल ट्रिक जिससे इजीली आपको सॉल्व करना है। तो वो ट्रिक क्या है, 1 फर्स्ट लेटर इज 1, तो हम लोग ऊपर में 1 लाइन ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ठीक है। सेकंड लेटर इज 4, तो हम लोग यहां इसके बाद कुछ डिस्टेंस कुछ गैप छोड़ करके 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद इस साइड हम करेंगे 1, तो इस साइड लेफ्ट साइड में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर राइट साइड जो नंबर दिया होगा उसके लिए राइट साइड में हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया और आपका आंसर आ गया। आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें टोटल 4 कॉर्नर बन रहे हैं, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कॉर्नर बने, तो 4 कॉर्नर ही आपका आंसर होगा। किस तरह से, तो ये जो सबसे लास्ट वाला कॉर्नर है ये कॉर्नर, इसमें हम काउंट करेंगे कितने जगह लाइंस आपस में कट किए हैं, तो 1 2 3 एंड 4, 4 जगह कट किए हैं, 4 प्लेस पे लाइन आपस में कट किए हैं, तो हम लोग सबसे लास्ट में 4 लिखेंगे, जिस सॉल्यूशन आएगा उसका जो सबसे लास्ट आंसर होगा वो 4 है। उसके बाद हम लोग ये बनोगे मिडिल वन वाले, ये भी मिडिल में और ये भी मिडिल में कॉर्नर, ये कॉर्नर वाले को, तो मिडिल में देखेंगे कितने जगह कट किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 जगह कट किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीच में 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ कितने जगह कट किया, तो ये बस 1, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 1। हमें अगर इसे क्रॉस चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, 14 × 11 4 5 1, देखिए दोनों आंसर आपस में मैच कर रहा है, तो आप ही इस ट्रिक को सीख गए होंगे। तो एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा किस तरह से हुआ, ठीक है। एक और एग्जांपल बढ़ते हैं, हम एग्जांपल की ओर। अब अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, 13 × 50, 13 × 50, ठीक है। दिस 13 × 50, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया था, इस फर्स्ट में जो लेफ्ट साइड होगा उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना नाम दिया है यहाँ बन दिया, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर सेकंड में जो है उसके लिए थोड़ा गैप छोड़ करके लाइन ड्रॉ करेंगे, सेकंड का नंबर है 3, तो हम लोग यहाँ कितने लाइन ड्रॉ करेंगे, 3, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो नंबर है इसका जो अपोजिट 15 है, 15 का जो लेफ्ट साइड है नंबर, उसके लेफ्ट में हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर राइट साइड है 5, तो हम राइट साइड में 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कॉर्नर रखिए। उसके बाद हम लोग कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, तो कौन कौन सा कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये मिडिल वाला, ये भी मिडिल वाला, और ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाले में लगाते हैं कितने पॉइंट है, लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन आ गया। तो अब आप सोचोगे कि 15 लाइन आ गया था, क्या हमने यहाँ पे 15 लिखे, यहाँ 15 लिखे हैं, तो नहीं, हम 15 यहाँ पे नहीं लिखे, 15 लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत, 15 नहीं लिखे, यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा, ठीक है। सर मिडिल वाले को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन, और एक हमारा कैरी था जो बन गया 9, और यहाँ पे फिर हम काउंट करेंगे क्या आएगा, 1, आंसर इज 195। इसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं किस तरह से, 15 × 13 मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 15 करेंगे 3 × 4 5 1 5 9 1, देखिए दोनों आंसर आपस में मैच कर रहा है।
ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे, उसके बाद आप इस स्ट्रिंग को घर में आजमाएं, इसे सॉल्व करें, चेक करें कि आपसे भी नहीं करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगी, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से इस ट्रिक को सीख सके और वो भी अपने कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल के बगल में एक सब्सक्राइब रेड कलर का बटन होगा, उसे प्रेस करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलिए तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या मैं दूंगा, 23 इंटू 41। ये बहुत ही एक देखने में बड़ा कैलकुलेशन लग रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने में बैठेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा। तो इससे हम लोग जापानीज ट्रिक के मदद से बिल्कुल सिंपल जस्ट 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक आप लोग सीख चुके हैं। तो आइए लेट्स सॉल्व कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इधर 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग कॉर्नर काउंट करेंगे 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 9, 43 इसका करेंट आंसर आ गया। देखा आप लोगों ने कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को बस 10 सेकंड में सॉल्व कर लिया। घर पे इस क्वेश्चन को ट्राई करें, अपने मदद से कुछ क्वेश्चन लें और सॉल्व करें कि आप लोगों ने ये ट्रिक सीखा या नहीं सीखा। अगर सीख गया तो बहुत अच्छी बात है, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोगों ने इस ट्रिक को नहीं सीखा तो फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देखें, एक पार्ट भी मिस ना करें। अगर एक पार्ट भी आप मिस करते हैं तो आपको ये ट्रिक समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इससे हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, 23 इंटू 41। देखिएगा मेरे साथ, 4 2 12 1 4 2 8 9 3 4 9 का ये मैच कर रही है। यस, मैच कर रही है, तो हमारा ट्रिक सक्सेसफुल था। आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर को इजीली सॉल्व कर सकते हो इस ट्रिक के मदद से। और आगे की ट्रिक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल का अपडेट रहें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी अपनी नेक्स्ट ट्रिक्स की वीडियो, कोई भी एजुकेशनल वीडियो, कोई भी अदर वीडियोस हमारे चैनल से आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज। थैंक यू।